ये एन आर आई वीर का पिंड बदादपुर का बहुत व्डा संयोग आ जो कि उन्होंने नाल ये पानी तो हूँ गन्ने का रस जरा चल रहा जो लंगर चल रहा है इतने जो कोई बीजेपी के आगू ज कोई होर आके लंगर छकना चाहो उन्होंने दिता जा सकन देखो जी ये गुरु नानक पातशाह का लंगर है साडा अपना तो है नहीं इतने तो जड़ा आऊगा सक जाऊगा रहो तो लंगर लाई रखने संगत किसी नहीं मोड़ना कोई न्याणा बच्चा किसी का भी आए मंगने वाले का रहो खुली देनी है केतलियाँ गफ्फे संगत को छकाने खुले किस लंगर वाले नहीं मोड़ना रहो दियाँ खीर बनवाओ जिन्हें बाबे लागे बनाते सारे इधर एक ट्राली जाती है ये बुखार दें भी चले गए उधर जो 50 ट्रालियाँ या 200 ट्राली वह ना ही नहीं देंगे गवर्नमेंट है। सत श्री अकाल जी तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल मैं मनविंदर सिंह टिवाणा सिंघू बॉर्डर ते किसानां दा धरना चल रहा है खेती कानूनां दे विरोध विच किसान तकरीबन 100 दिन तो भी उपर दिन हो गए ने दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे हुए ने मौसम बदलदे रहे सर्दियां दा मौसम सी सर्दियां बीत गईआं बरसातां आउंदियां रहीआं पर मौसम बदले किसानां दे जिहड़े इरादे ने उह बिल्कुल नहीं बदले किसान अपने इरादियां ते पक्के ने किसानां दा यही कहना है कि ये जिहड़े कानून ने खेती कानून लियांदे गए ने रद्द कीते जाण ते मौसम दे हिसाब दे नाल इत्थे दा खाणा पीणा है जिहड़ा उह भी बदलिया है पहलां सर्दियां दे दिन सीगे कॉफी दे चाह दे दुध दे लंगर चलदे सीगे हुण गर्मी आ गई आ गर्मी दे विच सवीलां लगनियां स्टार्ट हो गई ने रस दे लंगर लगने स्टार्ट हो गए ने गन्ने दे रस दा लंगर है जिहड़ा इत्थे लगाया गया वीर ने साडे नाल उहनां नाल करदिआं गल हाँ जी की नाम है जी सरदार दलबाग सिंह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वीर जी किस तरह देख रहे हो काफ़ी टाइम हो गया इतने बैठे नूं पहलां सर्दियां दा टाइम सीगा उदों लंगर सीगे जिहड़े चाह दे कॉफी दे दुध दे लंगर जां सूप दे लंगर चलदे सीगे हुण ने जिहड़े इत्थे गन्ने दे रस दे जां सबीलां लगनियां स्टार्ट हो गईआं ने किस तरह देख रहे हो तुसीं सरकार दीआं जिहड़ीआं नीतियां ने सरकार सोच रही सीगी वी किसान गर्मी तों परेशान हो के चले जाणगे पर तुसीं इत्थे गन्ने दे लंगर लाते रहिंदे ये वेखो जी ये समय समय के हिसाब के नाल हर एक चीज़ का लंगर लगता जिस तरह प्रसादे का लंगर हो गया चाह का लंगर हो गया कॉफी का लंगर हो पिछे बाबा जी ने लंगर लाए जाना हूँ इस स्टेज के उ कुंडली बार्डर उत्ते जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सतनाम सिंह पन्नू सूबा प्रधान की रैनमाई हेठ चल रही है तो सरवण सिंह पंधेर सूबा जनरल सकत्र उन्हों की रैनमाई हेठ चल रही इन्हें काफ़ी लंगर जोड़े हूँ लग चुके हैं क्योंकि पहलिया जोड़ा है लंगर संयुक्त मोर्चा की साइड से ही इधर थोड़े घट ही गए क्योंकि इधर उन्होंने रस्ता बंद कर दिता तो रस्ता बंद होने बाद सभी तो बाद लंगर लगने शुरू हो गए तो समय समय के हिसाब न हूँ समय के हिसाब के नाल ये अपने सरदार मलकीत सिंह जी पिंड बदादपुर तहसील बाबा बकाला साहब दे जो कि उन्होंने अपना 1.5 एकड़ का गन्ना सीगा वो कट के तो उन्होंने मिल ते नहीं खड़िया वो लिया के इतने उन्होंने लंगर ला दिता तो जो कि संगत विच वरतना शुरू कर दिता ये बहुत वड्डी उपलब्धि है उन्होंने वास्ते की लग रहा है सरकारां तो सोच रही सीगियां भी किसान परेशान होकर चले जाएंगे गर्मी आ गई आ गर्मी कट्टी नहीं जानी पानी है जिहड़ा पानी भी मुल मिल रहा है वह भी बोतलों वाला पानी पीना पै रहा है भी इन्हें जाना पैना है पर इत्थे तो वखरा ही उपराला किया जा रहा है जूस के लंगर चल रहे हैं ये वेखो जी ये तुहानू फिर दस्या ना सरकारां दा इह गलत फहमी आ सरकारां नू भुलेखा है सरकारां इस तरह ये किसान इस तरह नहीं जाणगे ये जिवें ये उन्हां दे प्रभाव पाउणगे तिवें तिवें ये अगे नालों वधदे जाणगे ते इन्हां दे उत्ते प्रभाव पैणा शुरू हो गया सरकारां हारनियां शुरू हो गईआं ते किसान जितने शुरू हो गए आ ते ये एन आर आई वीरां दा पिंड बदादपुर दा बहुत वड्डा संयोग आ जो कि उन्हां दे नाल ये पानी ते हुण गन्ने दा रस जिहड़ा इह चल रिहा ये फिर गन्ना तुसीं कै ट्रालियां च लै के आए हो भर के उत्थों ये दो ट्रालियां ते गन्ना लै के आए सीगे ते एक दे उत्ते वेलणे जिहदे नाल पहले दिन तो 26 नवंबर तो साडा एक ट्रैक्टर एक ट्राली सरदार मलकीत सिंह बदादपुर का वो इत्थे खड़ा वा तो संगत आउंदी जांदी रहिंदी आ तो सरदार मलकीत सिंह होनी जिहड़े इत्थे पक्के डटे हुए आ तो ये गन्ना जिहड़ा वा ये उस तरह लियाण के कुछ ट्रालियां वापस करतीआं कुछ अज भी मलकीत सिंह जी जिहड़े गन्ना वो हरियाणे तो खरीदण वास्ते गए आ खरीद के लियावांगे इत्थे मुल लैण के तो फिर जिहड़ा खेतां च खड़ा सीगा वो खत्म हो गया उत्थे खत्म हो गया वो अपना इत्थे गन्ना जिहड़ा ही आ गया क्योंकि थोड़ा बीजा ही 1.5 एकड़ सिर्फ तो उस तो बाद हुण हरियाणे गए इस वेले वीर जी तो वो खरीद के लियाणगे तो फिर जिहड़ा चालू रहूगा जी जी हाँ जी निरंतर चलूगा गन्ना चाहे कितों भी लाउणा पवे निरंतर निरंतर एन आर आई वीरां दे संयोग दे नाल निरंतर जारी रहूगा जी हाँ जी हाँ जी पर सरकारां तां कह रहीआं ने कि जिहड़े कानून ने किसानां दे हक च ने मोदी वल्लों बयान आउंदे ने कि MSP थी MSP है MSP रहेगी तो गन्ने की जिहड़ी MSP है पूरी मिल रही है किसानां नूं की कहेंगे वेखो जी नहीं ये नहीं मिल रही MSP तो
घट तो घट आप लैना रेट पर घट तो घट भी सानू नहीं मिल रहा वो किसानों बहुत मारा पैदा जिस तरह कई बार होंदा कि कंडे की मार पै गई कुछ बीमारियां हो गई पै गई कुछ लीवर की मार पै गई इस तरह करके सानू सारिया जड़िया वा साढ़े उत्ते जोड़े पहाड़ टुटते आ ते पहाड़ ये भार पैंदा वा ते फिर भी किसान जिहड़ा वह अपने गुरु नानक की खेती दे नाल जुड़िया ते उहदे नाल किरपा दे नाल जुड़ के ते वो अपनी मेहनत जिहड़ी आ वो जारी रखी आ पर खर्चे जिहड़े पूरे नहीं हो रहे जी। हाँ जी खर्चे नहीं पूरे हो रहे। गन्ने की गल करिए जिहड़ा गन्ना है ये कोई सरकारी मिलता है नहीं प्राइवेट मिला ने प्राइवेट मिलों से जाता है कोई सरकारी मिलता नहीं है कि पंजाब च नहीं जी साढ़े सरकारी मिल नहीं साढ़े बुटर सेवियां राणा सुगर मिल है जिस ते गन्ना जाता सीगा पर एरकी तो उत्थे भी जड़ा गन्ना बहुत घट गया वा तो यह भी उत्थे रेट तो तुहानू पता ही है हर एक भी रेट नहीं पूरा मिल रहा तो रेट पूरा मिलना चाहिए वा ये सरकारां साडे नाल धक्का कर रही की कहेंगे तुसी क्योंकि वख वख पार्टियां दे जिहड़े नुमाइंदे ने वो बयान दे रहे ने वो कह रहे ने कि किसानां नूं पहला बयान आया सीगा कैप्टन साहब ने फिर उहदे ते स्पष्टीकरण भी दिता कि सोधां ते मन जाना चाहीदा है जां फिर होर कई तरह के बयान आउंदे ने उहनां नूं किस तरह देख रहे हो क्योंकि किसान इक ही गल ते अड़े ने कि इहनां नूं रद्द कीता जावे गर्मी का टाइम आ गया है इत्थे डटे हुए ने तो इदां दीआं बयानबाजियां बीजेपी के आगुआं वल्लों भी कीतीआं जांदीआं ने कि इकट्ठ करन नाल जिहड़े कानून ने वो रद्द नहीं हुंदे की कहेंगे देखो जी कानून उन्होंने तो कहना ही आ सरकारां इदां ही कहिंदीआं दीआं पर उन्हां विच ये एक एक खाली उन्होंने कहा भी एक डब्बा रख दो तो डब्बे दे विच ते आपां फिर जो मर्जी पा सकते हैं वो तो बाद हो सकता साढ़े उत्ते होर प्रेसर पै जाए होर कुछ डब्बे दे विच होर भी साढ़े नूं वो पा के तो साढ़े गाड़ी रख सकते हैं पर असी उस डब्बा जिहड़ा वा उहनूं भन्न के तोड़ के तो सरकार को फिर ही इत्थों जावांगे। हाँ जिहड़ा लंगर चल रहा है इत्थे जे कोई बीजेपी के आगू जां कोई होर आके लंगर छकना चाहुण उहनां नूं दित्ता जा सकण वेखो जी इह ते गुरु नानक पातशाह दा लंगर आ साडा अपना ते है नहीं इत्थे जिहड़ा आऊगा सक के जाऊगा चाहे वो तां कह रहे ने कि देश विरोधी ताकतां वल्लों इत्थे लोक बिठाए गए ने ये खालिस्तानी ने चाइना वल्लों बिठाए गए ने पर तुसीं सत्कार कर रहे हो कि इह भावना कित्थों आउंदी आ तुहाडे मन च भावना वेखो जी इहदे साडे जिहड़ा टीका लग चुका ना सिक्खी प्रति गुरु नानक पातशाह ने लाया दसवें पातशाह ने उन्हूं पालिया तो उन्होंने मुड़ के लाया उहदे ते अहीं पहरा देण डे आ उस हिसाब नाल चल रहे हैं सानू तो ये नहीं बगाने दीदे पर इन्हां नूं अहीं बगाने अहीं खालिस्तानी दीदे आ माओवादी दीदे आ अतवादी दीदे आ अहीं कदी चीन तों आए आ कदी पाकिस्तान तों आए आ पर अहीं ये आउणगे साडे कोल जिहड़ी पार्टी आ जाए चाहे अकाली होवे कांग्रेस होवे चाहे बीजेपी होवे कोई भी आ जाए जिन्हां ने साडे स्टेज ते हमला कीता भावें उह वी आउणा पर इत्थों लंगर छका के ही खिलांगे खाली निकलांगे। हाँ जी इह सन वीर इन्हां दा कहना है कि ये जिहड़ा लंगर है ये बाबे नानक दा चलाया गया लंगर आ इत्थे कोई भी आ जाए बैरी आवे दुश्मन आवे किसी नूं कोई जवाब नहीं दिता जाऊगा ये लंगर उन्हां नूं भी सिखाया जाऊगा सत्कार भावना दे नाल लंगर सिखाया जाऊगा साडे नाल होर भी वीर ने उन्हां नाल करदे आ गल। हाँ जी की नाम है जी? जगदीप सिंह मेरा नाम पिंड वदालपुर। जगदीप सिंह जी की कहेंगे हो तुसी गर्मियां दा टाइम आ गया उदां दे ही उपराले कीते गए ने जूस दे लंगर लगाए गए ने गन्ने दे जूस दे की कहेंगे? हाँ जी साडे भरा ने अलॉटमेंट कीती बाहरों उन्हें है गन्ना मिल च नहीं खड़ना इत्थे लंगर लाउणा होर भी जिन्ना पैसे की लोड़ होए मैं गन्ना खरीद दूंगा इत्थों साडा इलाका इत्थों 500 किलोमीटर हटवा है अहीं भरा मेरा अज गया गन्ना खरीदण उन्हें इतों इतों लागों शागों ले लो 100-150 किलोमीटर तक दूरों उदा गन्ना औखा आउंदा है तो इतों खरीद के आपां गन्ना रौ दे लंगर लाई रखने संगतां ते किसे नूं नहीं मोड़ना कोई न्याणा बच्चा किसे दा वी आए मंगण वाले दा रौ खुली देनी है केतलियां गप्फे संगत नूं छकाउणे आ खुले किसे लंगर वाले नूं नहीं मोड़ना रौ दीआं खीरां बणावां जिन्ने बाबे लागे बणाउंदे सारे। हाँ जी हाँ जी पर एक कहावत है पुरानी कहावत है बजुर्गां दी कि जट गन्ना नहीं दिंदा भेली दे दिंदा पर तुसीं तां गन्ने दे खेत लटाते ने। हाँ जी अहीं आख्या साडा भरा आंदा गन्ना जिन्ना लगूगा मैं पैसा बाहरों घलाउणा लाई जाओ तुसीं गन्ना बस ट्रालियां। हाँ जी मुंडिआं नूं सेवा 3 महीने हो गए नूं इत्थे आया नूं एक ट्राली पहलां दी लिआंदी 3 महीने हो गए ते 3 ट्रालियां अहीं गन्ने दीआं हुण लै गए अहीं जिद्दण आए मुंडे मुंडे 15 मुंडे नाल फिर लिआंदे आ ते मुंडिआं नूं मैं सेवा करो तो इतने सेवा कर रहे हैं बहुत नाल साढ़े गुआढ़ी ठटियां पिंड के बहुत वधिया सेवा हो रही इतने खुली रहत चलन डी बच्चे निके निके आते साढ़े को मंगन रहो बोतल इतों फड़ लेंगे चुक के भरा के खड़ते साढ़े को बाबा जी भी कई लंगर वाले बहुत आते हैं तो खीर बना मैं बनाओ बाबा जी जिनी खीर बनानी इतों खड़ी जाओ सानू भी नाले खुआओ संगतान को खुआओ खीर। हाँ जी इतने जोड़े लोकल लोग ने उन्हों का की कहना है क्योंकि वह भी गन्ने का जो लंगर है हो सकते हैं गन्ने की रात का लंगर है जो उन्होंने की विचार आ गल करते होने थोड़े। हाँ जी उन्होंने पाई आई दी कहते छो तुम रोव साढ़े लिए कोई नहीं दुखी सब नू अं प्यानी हाँ। हाँ जी सारे अं प्यों खुश हो रहो जिनी लगी जाऊ अं प्यवे रहो। हाँ जी ठंडे ठंडे
ਵੀਰ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਨਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਠੰਡ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੀ 2024 ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੱਕੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਤੋਂ 8 9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂ ਕੇ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਛਰ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰ ਆ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ 100 ਟਰਾਲੀ ਆ ਇਹ ਪੜ ਕੇ 300 ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ 1 ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 200 ਟਰਾਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੇਲਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋ ਵੇਲਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਦੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਮਿਲਾਂ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮਿਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਨੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਲਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ